चुनौतियां सदैव नए अनुसंधानों को जन्म देकर प्रगति की नई दिशा तय करती हैं। उत्तर प्रदेश में जनपद प्रतापगढ़ ने आधुनिक काल की इस चुनौती को नए स्वरूप में स्वीकार किया है और आज ये जनपद बागवानी में औद्यानिक क्रांति का एक नया इतिहास रच रहा है कि लगन, अटूट विश्वास, कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के चलते पूरे जिले में फल फूलों से लदी हुई डालियां लहलहा रही है। प्रतापगढ़ की शान है। आंवले से बनने वाले पदार्थों ने प्रतापगढ़ का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। प्रतापगढ़ की जलवायु और मिट्टी आंवले के लिए अनुकूल है। जनपद में किसानों के पास आंवले के बड़े बड़े बाग हैं। इनमें से कई बाग 50 वर्ष पुराने हैं और नष्ट होने के कगार पर पहुंच रहे थे और किसानों को एक नई वैज्ञानिक पद्धति जीर्णोद्धार के द्वारा उन बागों को नया जीवन दान दिया गया। आंवले के साथ साथ दूसरे फलों के बागों में भी जीर्णोद्धार की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने में सहयोग दिया और आज उनके पुराने और नष्ट हो रहे आम अमरूद के बागों में फिर से नई जान आ गई है। जिन पेड़ों की उम्र पूरी हो चुकी थी, अब वे जवानी के रंग में तन कर खड़े हो गए हैं। आज जैसे कटे हुए तब से मतलब थोड़ा फल में अंतर है, पहले से अच्छा है। फायदा हुआ है तब से फल अब बड़ा आने लगा है, पहले की अपेक्षा बड़े फल आ रहे हैं। पता चला कि ये जीर्णोद्धार हो रहा है और लगभग मैंने 200 पेड़ों को जो है जीर्णोद्धार करवाया और इसमें तब से जो है चेंजिंग आई है, फसल जो है ज़्यादा आ रही है और इसकी जो है इसमें क्वालिटी में भी चेंजिंग है। पहले जो है लगभग इसमें 50 से 60 केजी आंवला होता था, लगभग अब जब से इसको जो है कटवाया गया है, जीर्णोद्धार हुआ है, अब कम से कम इसमें जो है 1 क्विंटल जो है आंवला होगा। मैं प्रैक्टिकली अनुभव में देख रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग जो मैंने हॉर्टिकल्चर से अटैच रहा, उससे बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई, बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। वास्तव में प्रतापगढ़ जनपद ने औद्यानिक विकास के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। औद्यानिक मिशन के प्रशिक्षण एवं सहयोग का परिणाम ये है कि यहाँ के किसानों ने आंवले के साथ साथ दूसरे फलों के बाग भी लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। ये अमरूद का बाग अभय प्रताप सिंह का है। अभय अमरूद के दिनों में अमरूद के फलों का आनंद लेते हैं और मौसम के अनुकूल धान, गेहूं और दूसरे अनाज की खेती भी कर लेते हैं। हमारी बाग 30-35 साल की अमरूद की है, इसमें फल कम हो गया था। जो हम संपर्क किए उद्यान विभाग वालों से, इन्होंने बताया हमको दवा के लिए, कटिंग के लिए दवा भी डाले, कटिंग भी कराए। पहले फसल कम होती थी, अब फसल बढ़िया है। इसके कटिंग से 2-3 साल का हमको ये लाभ हो गया कि हमारी खेती भी हो गई, पेड़ भी हमारे अच्छे हो गए, फसल भी अच्छी शुरू हो गई है। जैसे हमको दिशा निर्देश दिए, उसी हिसाब से हमने ये सब किया। औद्यानिक मिशन के कर्मचारियों ने आंवले के विभिन्न नस्ल के पौधे तैयार किए हैं। जैसे डॉक्टर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई अंग प्रत्यारोपित करने के लिए ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार आंवले के पौधे के तने को कलम करके दूसरी नस्ल के आंवले के तने को जोड़कर प्रत्यारोपित किया जाता है। ये पौधे जब पेड़ बनते हैं तो उच्च कोटि के फल देने लगते हैं। पौधशाला में विभिन्न प्रजातियों के तैयार किए जाने वाले ये पौधे किसानों को मुफ्त में दिए जाते हैं। ये कृषकों को जो है ये बडिंग की गई है, कृषकों को अच्छी प्रजाति के पौधे जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, नारायण सिंह, नारायण 7, 10 और कंचन, जिससे कृषकों को इससे ज़्यादा जो है उत्पादन मिलता है। जो पुराने पौधे थे उनको जो है चकैया वगैरह न लगा के अब कंचन, नारायण सिंह ये सब लगाए जा रहे हैं। कृषकों को यहाँ ये इन वैरायटियों को नारायण सिंह, नारायण 7, 10 एवं कंचन कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कृषकों को जो है काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है, पैदावार भी अच्छी हो रही है, जिससे कृषक जो है उत्साहित होकर इन्हीं प्रजातियों को लगा रहे हैं। उद्यान विभाग के द्वारा हमको ये सुविधा दी गई, जिसे 2 साल में काम कर रहा हूँ, इससे हमको फायदा बहुत मिला। हमें ग्रीन हाउस की सुविधा दी गई, 2 साल से
इसमें मैं काफ़ी फायदा कमाया हूँ। पौधे तैयार करके मैं अपने जो है बागों में इसे लगाता हूँ। और ये आम के बाग हैं बिंदेसी प्रसाद यादव के, ग्राम सभा मोइली, विकास खंड कुंडा, जनपद प्रतापगढ़। इन्होंने आम की बागवानी से होने वाले फायदे को देखते हुए अपने खेतों में और भी अनेक किस्म के आम के पौधे लगाए हैं। जब ये आम के पौधे पेड़ बनकर फल देने लगेंगे तब बिंदेसी को आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिलेंगे। यानी खेती और आम की बागवानी साथ साथ। विभाग द्वारा मुझे निःशुल्क पेड़ दिया गया है आम के, उसको हमने अपने खेत में लाकर लगा रखा है और ये 3-3.5 साल के पेड़ हैं और 1-2 साल के बाद इसमें बौर आने लगेंगे। इसको हमने बेहा इसलिए लगा रखा है कि नीलगाय की संख्या यहाँ अधिक है, अगर बेहा से हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये आम के पेड़ नीलगाय चर जाएंगी। एक कतार में सलीके से लगाए गए ये केले के पौधे एक समझदार और प्रशिक्षित किसान की पहचान है। केले के खेतों को वैज्ञानिक पद्धति से मिनी ट्रैक्टर से निराई गुड़ाई और रख रखाव करना यहाँ के किसानों में व्यवसायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जनपद के औद्यानिक मिशन के अधिकारी और कर्मचारियों ने किसानों को उच्च कोटि की खेती के साथ साथ खेती में होने वाले फायदे, नुकसान, व्यवसायिक सूझबूझ और उनके फलों को बेचने के लिए बाजार का रास्ता भी दिखाया है। आज जनपद प्रतापगढ़ का आम, अमरूद, आंवला, हल्दी और केला दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे यहाँ के किसानों की आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केला की खेती शुरू किया है और जिसमें लगभग कम से कम 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से फायदा है। अगर ठीक से खेती की जाए तो 70-75-80 या 1 लाख रुपये तक का बेनिफिट हो सकता है। निःशुल्क हमें 1 हेक्टेयर के लिए 2228 पेड़ मिले हुए हैं प्रति हेक्टेयर, जिसको हमने यहाँ पे लगाया है और ज़रूरत पड़ने पर कृषि वैज्ञानिकों से इसके बारे में सलाह लिया करते हैं, उनसे जानकारी लिया करते हैं, जैसा वो बताते हैं वैसा करते हैं इस खेत में। और इसकी वैरायटी जो है G9 दिया गया है। हल्दी का बीज उद्यान विभाग से लिया हूं और खेती अच्छी हो रही है। पिछले साल मेरी 2 बीघे की हल्दी बोई गई थी, उसमें हमको प्रॉफिट 2 लाख रुपए का लगभग हुआ है। हम 5 साल से खेती करी थी, खेती हल्दी की खेती में बहुत ज़्यादा लाभ यह है। पिछले साल लगाए रहे 50 क्विंटल हल्दी भर है, चूरई के पक्की बेचा है कि सुखाए के, सुखाने पर अच्छा पैसा मिला है हमका। आपकी साल में 2 बीघा फिर लगाई यही। प्रतापगढ़ के छोटे बड़े सभी किसानों को फायदा मिल रहा है। अब यहाँ के किसान अपने खेतों में ही सुनहरे भविष्य को संजोने लगे हैं। जनपद प्रतापगढ़ में आम, अमरूद, आंवला, केला और हल्दी के बढ़ते उत्पादनों ने बाहरी निवेशकों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ में तैयार किया जा रहा आंवले का अचार, मुरब्बा और दूसरे पदार्थ पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। यहाँ काफी बड़े पैमाने पर बड़े निवेशकों और बड़ी कंपनियों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है, इसलिए प्रतापगढ़ के किसानों की वजह से यहाँ के व्यावसायिक वर्ग को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।